नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। Assalamualaikum and welcome to Nayi Subha Audio Library English Learning Tutorials for Foundation Course. मेरा नाम है सबा गजाली और आज हम सीखेंगे four letter words. जैसे हमने two letter words बनाए थे, फिर इसके बाद three letter words बनाए थे, तो इसी तरह से आज हम चार हुरूफ़ तहज्जी को जोड़कर चार हुरूफ़ी अल्फाज यानी के four letter words बनाएंगे। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले हमारा लफ्ज है दिस, THIS, दिस। तो देखिए, सबसे पहले ये हमारे पास टू लेटर वर्ड्स में था इज, IS, इज। फिर हमने इसको थ्री लेटर वर्ड बनाया और इसमें IS से पहले H का इजाफा किया और ये बना हिज, HIS, हिज। फिर इसी तरह हमने इसमें टी का इजाफा किया तो अब ये बन गया फोर लेटर वर्ड और ये बना दिस, THIS, दिस। दिस माने ये, दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। दिस इज माई बैग, ये मेरा बस्ता है। हमारा अगला लफ्ज है दैट, THAT, दैट। तो ये टू लेटर वर्ड्स में था हमारे पास एट, AT, एट। इसमें हमने मिलाया एच तो ये बना हैट, HAT, हैट। अब हमने इसमें मिलाया टी तो टी के इजाफे के साथ ये बन गया THAT, दैट। और ये इस तरह से बना फोर लेटर वर्ड। हमारा अगला लफ्ज है मीट, MEAT, मीट। तो देखिए, सबसे पहले ये हमारे पास था एट, AT, एट। फिर हमने इस एट में ई का इजाफा किया तो ये बना EAT, ईट। उसके बाद हमने इसमें एम जोड़ा तो अब ये बना मीट, MEAT, मीट, यानी के गोश्त। सो हमारा अगला लफ्ज है एट, ATE, एट। ईट की सेकेंड फॉर्म एट। तो अब हमने इसमें जोड़ा एच तो ये बना हेट, यानी के नफरत, किसी को बुरा समझना, ना पसंद करना, HATE, हेट। इसी एट में यानी के ATE में हमने मिलाया आर तो ये बना रेट, यानी के दाम, RATE, रेट। इसी तरह से हमने इस एट में इजाफा किया एल का तो ये बना लेट, LATE, लेट, यानी के ताखीर, देर। सो आइए अब कुछ और लफ्ज बनाते हैं, THE, द। अब इसमें मिलाया हमने M तो ये बना THEM, देम। इसी तरह से THEN, देन। इसी तरह से बहुत सारे अल्फाज हैं जैसे कि THAN, देन, THIN, थिन, LIKE, like, PAST, past, FAST, fast, CAST, cast, TASK, task, MOST,
S-T, most. T-A-L-L means T-A-double-L, tall. T-I-double-L, till. S-O-I-L, soil. आइए soil की मिसाल लेते हैं, जैसे कि थ्री लेटर वर्ड था O-I-L, oil. तो अब हमने इसमें इजाफा किया S का, तो ये बना soil. तो इस तरह से मुख्तलिफ लेटर्स के गठजोड़ से आप फोर लेटर वर्ड्स बना सकते हैं. आप इसको मजीद प्रैक्टिस करके अपने रोजमर्रा की गुफ्तगू से सीख सकते हैं. उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आप घर में और अपने अतराफ में की जाने वाली गुफ्तगू में ऐसे चार हरफी अल्फाज यानी फोर लेटर वर्ड्स को ढूंढेंगे और इसे बनाने की कोशिश करेंगे. इसी के साथ ही हमारा आज का लेसन खत्म हुआ. मिलेंगे अगले लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज. ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया. अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए.